प्रेम का भगवान कृष्ण ने बताया, ध्यान का महात्मा बुद्ध, योग का पतंजलि, और तंत्र का बाबा गोरखनाथ, और भी कुंडलनी जागृत के ये रास्ते हैं। बाकी जिस प्रकार से कुंडलनी जागृत की बातें होती हैं, सारी ड्रामे बातें, एक वो मम्मी सी है ऐसे लंबे लंबे से दांत है, निर्मला देवी ऐसे बड़ी सी दिखा रहती है। निर्मल बाबा की थ्योरी भी तो है, निर्मल बाबा की वाली है वो, तो नहीं उनकी तो जाओगे चटनी खाने हो जाती है ना, कुंडली जाए चटनी खानी पड़ती है, बस लाल चटनी हरी चटनी हो जाती है। उन लोगों का सर अपना टाइम बढ़िया है, नहीं सर टाइम खराब है। सर आप बात को समझो कि आपके रोज पैर छुए लोग, एक दिन आप पर पैर कोई ना छुए आप डिप्रेशन में मत हो, हमें लगता देखो जी लाल चटनी हरी चटनी तो नहीं है, लॉजिक तो नहीं है, लेकिन जो लोग मानते हैं कि मानते हैं बंदा है, उसका रीजन बता। आप किसी का बच्चा नहीं होता, ठीक है ना, वो अमृतसर किसी ने कहा गुरुद्वारे चल रहे, अब गुरुद्वारे से भी उन्होंने फिर उन्होंने कहा माता पे चल रहे, माता पे भी उन्होंने, फिर साल के बाद किसी ने कहा कि तू शिरडी चला गया, नहीं हुआ, फिर किसी ने कहा दिया चौथी जाओ बालाजी चला गया, बालाजी गया उसके बाद महीने दो महीने उसकी वाइफ प्रेगनेंट हो गई, और उसकी वाइफ से मतलब चार पाँच साल में प्रेगनेंट होनी थी, दो पाँच ग्यारह तो हो गई, लेकिन उसने उसको कनेक्ट कर दिया कि बालाजी के पास गया तो मेरे बच्चा हो गया। अब क्या है कि दूसरे बंदा ऐसा हो, पहले बालाजी के चला गया उससे देखो नहीं हुआ, फिर शिरडी चला गया नहीं हुआ, फिर अमृतसर चला गया नहीं, माता पे चला गया हो गया, अब बताओ इसमें माता का क्या हाथ है। तो वो उस समय होना था तो क्या ये माता नहीं गया, तो सब जगह भीड़ें लग रही। तो 30-35% तो सभी की जो सक्सेस रेट है मेरे पास भेजो तो भी हो जाए, किसी ना किसी का तो हो जाए, ठीक है ना। अब आ गया हमारा और क्या हो गया, थैंक यू वास्तु, थैंक यू हाँ वास्तु और थैंक यू दोनों। उस चीज भी मैं समझी थी।